Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Vande, Vande. सबसे पहले मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे देश में जो गरिमा है, हमारे देश की जो विरासत है, उस विरासत और गरिमा और गौरव को अपने जीवन का अंग बनाने वाले हमारे देश के बच्चा पार्टी, मैं आपसे बाद में पूछूंगा इस अलग सेशन के बाद, सभी लोग को एक काम करना है, आज हमारे देश की उस गौरव और गरिमा को अपने जीवन में जीने वाले एक ऐसे साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार से जिन्होंने शुरू किया और असाधारण व्यक्तित्व बने, इस देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकटैया नायडू जी, जोरदार तालियों से इस देश के गौरव का सभी लोग मिलकर हाथ इस तरह से करके अभिनंदन करेंगे। उन्होंने औरों के लिए तो कहा कि हमारे प्रेसिडेंट नारायणन, प्रेसिडेंट कलाम, मैं कह आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये भी एक ऐसे शख्स नहीं बल्कि शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत से एक प्रभाव छोड़ा है भारत की राजनीति में, भारत के अध्यात्म में और भारत की जनता पर। दूसरी बार ताली बजेगी फॉर आवर वन लाइनर, आई लव इट, वन लाइनर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी कैची, आपने तो सच्ची दिल जीत लिया। वी नीड दिस काइंड ऑफ, इवन इज एज में बी ओवर 70 और 70 प्लस, बट लेट मी टेल यू, वी नीड दिस काइंड ऑफ यंग पीपल इन दिस नेशन, यंग पीपल इन दिस नेशन। इस यंग इंडिया को इसके लिए मैसेज है, आज उनके मैसेज की बॉटम लाइन एसेंस है, इस यंग दिल इंडिया को तंग दिल इंडिया नहीं बनाना है, तंग दिल इंडिया नहीं बनाना है। यही तो महात्मा गांधी का संदेश था, जिंदगी भर लड़ते रहे वो, जिंदगी भर ये मैसेज दिया उन्होंने, सियासत में रहते हुए, सियासत में रहते हुए अपनी विरासत को भूलने नहीं दिया। और कभी आज तो मुसीबत ये हो गई है, बड़ा घालमेल चल रहा है, लेकिन उन्होंने घालमेल नहीं बल्कि तालमेल से अपने नेशन को एक संदेश दिया। हमें तालमेल की जरूरत है, घालमेल की नहीं, क्योंकि घालमेल थोड़ी देर के लिए होता है, तालमेल पूरी जिंदगी तक आगे बढ़ता है और यही चीजें दुनिया में टिकती हैं। एक बात जो हमारे देश की विरासत है, जिसको हमारे देश के महात्मा गांधी जी ने, व्हाट ए मैन, व्हाट ए मैन, धक्का मारा किसी ने थर्ड क्लास के उस डिब्बे से, गाली नहीं दी, गालियां खाकर भी सबको गले लगाने वाला एक इंसान, आलोचना सहन करके भी आलिंगन करने वाला एक व्यक्तित्व, और उस डिब्बे से निकलकर एक संकल्प लिया, संकल्प लिया कि अफ्रीका की उस धरती पर बैठकर अपने भारत को याद करते हुए इस दास्ता से, इस मनोवृत्ति से अपने देश को आजाद कराना है, और किया। He said it, you can shake the world in a gentle way. What a great man! What a great man! और उन्होंने कहा, देखो भाई, अध्यात्म के पथ पर भी चुना तो एक ऐसी ऐसी युक्ति दे दी, वैष्णव जन तो, मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, समय की मर्यादा है, तेने कहिए, तेने रे कहिए, जे पीर पढ़ाई जाने रे, पूरी बॉटम लाइन दे दी अध्यात्म की, जो दूसरे की पीर पढ़ाई को जानता है वही तो धर्म को जानता है, और धर्म वही है जो जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं, क्योंकि नफरत से, नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ है और मोहब्बत से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए आइए भाईचारे के पुल बनाएं,
भारत की इस विरासत को संभाल कर रखें। और ये विरासत है कि हम एक हैं, एक परिवार हैं, और इफ वी आर वन वन फैमिली, लेट देयर बी म्यूजिक ऑफ वननेस, लेट देयर बी म्यूजिक ऑफ टुगेदरनेस, लेट देयर बी म्यूजिक ऑफ ऑलनेस बी अलाइव, कैन बी सीन एवरीवेयर इन एवरी स्ट्रीट इन एवरी मोहल्ला इन एवरी स्टेट इन आवर कंट्री। एंड फर्स्ट दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अवर हार्ट। जब दिल बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। आप कह रहे थे बात दिल की है, आई थिंक हम कह सकें, जब हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम कह सकें किसके बल पर आज हमारे सारे गांधीयन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यू आर द रियल जीडीपी ऑफ इंडिया, यू आर द वन इन दोस डेज केप्ट द यूनिटी द हार्मनी द पीस ऑफ दिस नेशन। महात्मा गांधी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, आइदर वी कैन बी इन पीस और वी विल बी इन पीसेस, यू चूज व्हाट यू वांट, पीस और पीसेस, एंड वी हैव चोजन पीस नॉट पीसेस, एंड वी आर स्टिल हियर। एंड इसलिए इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनीबडी, इंडिया हैज एवर ऑलवेज अट्रैक्टेड पीपल, जो भी आया यहां बस गया, यहां समा गया। एंड इंडिया, एक बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं मैं, इंडिया एक धरती का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस, लैंड ऑफ पीस। लेट देयर बी पीस टू द वर्ल्ड, लेट देयर बी मैसेज फ्रॉम दिस टू डेज कॉन्फ्रेंस। एंड इंडिया इज ग्रेट नेशन बिकॉज ऑफ आवर दीज पीपल। ये भारत इसलिए महान नहीं है कि भारत के पास लाल किला और ताजमहल है, भारत इसलिए महान है कि भारत के पास भारत को जीने वाले ऐसे उपराष्ट्रपति, ऐसे भारतीय महात्मा गांधी जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, इन लोगों की वजह से हमारा देश महान है। भगवान करे ये महानता बनी रहे, ये तभी बनी रहेगी जब हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर जहां आप बैठे हुए हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, बैठे बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़ लें कि हम मिलकर रहेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, भारत माता की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महात्मा गांधी जी जिनका एक ही मंत्र था, व्हाट ए ग्रेट मंत्र ही हैज गिवन टू अस टुडे, सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिपेंडेंस, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है व्हेन ऑल द फेथ लीडर्स आर हियर, दे आर अमेजिंग पीपल। व्हेन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वॉज मूविंग, ही सेड वन थिंग, व्हेन बाई जयेश भाई व्हेन ही शोड सफाई का घर, टी विथ टॉयलेट, व्हेन ही शोड दैट ही सेड नाउ आई एम वेरी ग्लैड, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेड, our honorable venkaiah naidu ji, I'm very glad now all the faith leaders are here, they are together, with them things are going to change, hearts are going to change, ye dilon ko badalte, sansad mein hum bill bana sakte hain lekin sant log logon ke dil ko badal dete hain, bill aur dil dono saath saath chalenge, isliye mujhe lagta hai ki sanitation and meditation has to go together hand in hand. To me, sanitation is meditation. इसलिए आइए महात्मा गांधी का मंत्र सफाई और सच्चाई दोनों साथ साथ चलें, सफाई और सच्चाई दोनों साथ साथ चलें। मैं समझता हूँ हमारे भारत का ये संदेश पूरे विश्व को जाएगा। और हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आज मैं आपके लिए एक इलायची की माला लेकर आया हूँ, आदरणीय संन्याल जी और हम दोनों मिलकर आपको यह इलायची की माला, ताकि खुशबू की तरह ये आपका जीवन गुणों की खुशबू फैलाता रहे, इस देश को भारतीय संस्कृति के संस्कारों के सूत्र बांटता रहे, उसी का प्रतीक ये होगा। और अंत में जब हम नीचे उतर रहे हैं, मेरा निवेदन है, आज सारे फेथ लीडर्स यहाँ पर आए हैं, लेट देयर बी मैसेज,
हम सब यहाँ से खड़े होंगे जाने से पहले और आप लोग सब वहाँ से खड़े होंगे, कोई हिलेगा नहीं अपने यहाँ से, और हाथ से हाथ मिलाकर खड़े होकर इस देश के लिए एक मैसेज भेजेंगे पूरे विश्व को कि हम एक हैं। और हमने भगवान की पूजा बहुत की, लेकिन अब भगवान की सृष्टि की भी हमें संरक्षण करना है। वी हैव टू सेव इट, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट एंड प्रिजर्व इट। और उसका प्रतीक रुद्राक्ष पौधा उनको देंगे ताकि उसको लेकर सब ग्रीन मैसेज लेकर यहाँ से जाएं। अंत में आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरे हरिजन सेवक संघ की तरफ से, सारी कमेटी तो ऊपर नहीं आ पाई, हमारे राजीव जी, हमारे राजेश जी भी बैठे हैं, रजनीश जी भी बैठे हैं, हमारे हैं जयेश भाई भी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं उन सब की ओर से आदरणीय महामहिम जी का, हमारे उपराष्ट्रपति जी का जोरदार तालियों से पुनः अभिनंदन करने के लिए और कहूंगा कि भगवान करे ये दिव्यायु बने, दीर्घायु बने, और सदियों तक हम सब के बीच में इसी तरह से विचारों को फैलाते रहे और महात्मा गांधी के संदेश को जिंदा रखने के लिए एक संकल्प दिलाते रहे। भारत माता की।